हेलो एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कोविड के टाइम पर सब अपने घर पे सेफ होंगे। आज आपके लिए फिर अमूल एक बार और लाइव सेशन लेके आया है। कोविड के टाइम पर सब लोग अपने घर पर हैं, सुरक्षित रहें, और कुछ नामुर नई नई रोज रेसिपी लेके आते हैं जिसे आप घर पर बना सके। माय नेम इज प्रीति मंचानी, आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई एम आर होम बेकर। मैं सबसे पहले अमूल की पूरी टीम को थैंक यू करना चाहूंगी जिन्होंने हम होम बेकर्स को एंड हाउसवाइफ को ये एक प्लेटफॉर्म दिया अच्छा सा, अपने को अच्छा सा शोकेस करने के लिए। थैंक यू सो मच अमूल की पूरी टीम, थैंक यू सो मच व्यूअर्स जो आप हमें देख रहे हैं। आई थिंक ज्वाइन कर लिया होगा सबने। तो आज मैं बनाने जा रही हूं मसाला सोया चाप। जैसे कि आपको मालूम ही होगा मसाला सोया चाप, और आपको पता है कि इंडियन का कोई भी मील बिना डेजर्ट के कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके साथ हम बनाएंगे एक चॉकलेट डेजर्ट, चॉकलेट ड्रीमी डेजर्ट हम बनाएंगे साथ में। तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले मसाला सोया चाप की सब्जी से। गैस ऑन करेंगे हम। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और थोड़ा इसको हीट होने देंगे। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि सोया चाप होता क्या है एग्जैक्टली। कईयों को पता होगा, ऐसे नहीं पता होगा, लेकिन ये सोया चाप के ऐसे पैकेट्स आते हैं, इसमें सोयाबीन की चाप्स होती हैं। ये देखिए ऐसे सोयाबीन का ऐसे चाप्स होती हैं। तो आज हम इससे टेस्टी और बहुत अच्छी सी सब्जी बनाएंगे। मैं आपको इसका नंबर दे दूंगी, किसी को भी अगर कहीं ऑर्डर करना हो तो इनसे ले सकते हैं। ये इजीली घर पे दे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अभी हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। सबसे पहले हम एक बड़ा ओनियन डालेंगे, रफली चॉप किया हुआ ओनियन। तब तक हम सोयाबीन को आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। सोयाबीन के ऐसे पैकेट्स आते हैं, उनको खोल के सबसे पहले गर्म पानी में हमको उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, जिससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उसके अंदर जो एक स्टिक होती है वो स्टिक हमारी इजीली बाहर निकल आएगी। कई लोग स्टिक के साथ भी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको विदाउट स्टिक बताऊंगी। तो सबसे पहले हम गर्म पानी भी साइड में करने रख देंगे और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम ये सोयाबीन की चाप उसके अंदर डालेंगे। तब तक हम लोग ओनियन देखते हैं। देती हूँ आपको, इसमें मैंने लिया है 3 टमाटो लिए हैं, 4 कलियां मैंने लहसुन की ली है, ऐसे साबुत डाल देनी है, और आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और एक हरी मिर्ची ली है। ये सबको मैंने रफली चॉप कर लिया है। पानी भी गर्म हो गया है, हम लोग सोयाबीन की स्टिक को इसमें डाल देंगे। हम लोग को
बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बस ऐसे थोड़ा ट्रांसी हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, ऐसे थोड़ा सा कलर आ जाएगा ब्राउन। इस समय हम लोग टमाटोज डाल देंगे, टमाटो अदरक मिर्ची और लहसुन जो हमने डाला है वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम हम लोग स्लो कर देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, मिक्स करेंगे। और इसको हम लोग ढक्कन लगा के रख देंगे जब तक हमारे टमाटो ऑनियन जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इधर हमारा सोयाबीन का ये चाट भी थोड़ा गर्म हो गया, ये देखिए ऐसे सॉफ्ट हो जाता है। हम लोग गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये हम लोग बाहर निकालेंगे। देखेंगे आप थोड़ा ना कलर चेंज हो जाता है सोयाबीन की चाप का, एंड थोड़ी सी देखिए कलर थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है। अब हम लोग इसकी डंडी को पकड़ेंगे, स्टिक है जो उसके अंदर, इसको थोड़ा सा पकड़ के ऐसे करेंगे। एक्चुअली अभी हॉट है, ठंडा होएगा इजीली निकल आता है। ऐसे स्टिक बाहर आ जाएगी आपकी और ये बाहर, ये सोयाबीन की चाप बाहर आ जाएगी। अभी हम लोग उसको कट करेंगे, आपको जितने बड़े पीस चाहिए उतने कर सकते हैं, मैं ऐसे छोटे छोटे पीस कर रही हूं। ये एक सोयाबीन की चाप है, जो अभी मैं दिखाऊंगी वो मैंने चार सोयाबीन की चाप ली है। मैं आपको एक मेथड सिखा रही हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो हम इतना ज्यादा एक टाइम पे यहाँ पे नहीं बना पाते, लेकिन मेथड जो है वो ये है कि इसको ऐसे कट किया। अभी कुछ लोग फ्राई करते हैं, इसको आप फ्राई भी कर सकते हो डीप फ्राई, लेकिन मैं इसको एयर फ्राई में डालूंगी। ऐसे हमने एयर फ्राई में डाल दिया उसको। अब हम देखेंगे इधर टमाटर, इनका क्या टमाटर का क्या हाल है, अब इनको देखेंगे हम लोग। ये भी थोड़े कड़क है तो हम लोग इनको, जब तक मैंने एक दूसरी प्यूरी बना के रखी है क्योंकि टाइम कम होता है तो हमको इसमें टाइम लगता है थोड़ा सॉफ्ट होने में। अभी भी आप देखिए काफी हार्ड है, तब तक मैं आपको दूसरी, आपको प्यूरी जो मैंने बना के रखी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सोयाबीन जो हम लोगों ने एयर फ्राई में डाली थी, ये मैंने सुबह एयर फ्राई में डाल के रखी है। देखिए ऐसे ये क्रंची हो जाती है। उसके बाद हम लोग उसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने एक बोल लिया, उसमें 2 स्पून हम लोग कर्ड डालेंगे। आप घर का भी कर्ड ले सकते हैं, बाहर का भी, आपको जैसे इजी लगे वो आप ले सकते हैं। उसी में ही हम लोग, ये मैंने पेस्ट बना के रखा है, गार्लिक जिंजर और ग्रीन चिलीज का मैंने पेस्ट बना के रखा है। अब हम उसको डालेंगे, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालेंगे,
थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे, अंदाजे से आप ले सकते हैं, ये मैंने 2 स्पून डाल रही हूँ, आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं। और ये मेरे पास रेड कश्मीरी मिर्ची है, मैं वो उसका पाउडर डालूंगी, इससे कलर अच्छा आता है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपको कैसा पसंद है। थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमारा ग्रेवी में भी सॉल्ट जाएगा। देन हमें ये जो सोयाबीन की चाप जो मैंने एयर फ्राई में मैंने करके रखी है उनको डालेंगे। एंड उसको हम लोग मिक्स करेंगे। ये हमारा मैरिनेट पार्ट फिनिश हुआ। इसको हम लोग इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे उसके अंदर जो सोयाबीन की चाप्स हैं उसके अंदर उसका फ्लेवर चला जाए, गार्लिक का, जिंजर का, दही का, ये सब फ्लेवर उसमें जाएगा। अब हम लोग इसको फ्रिज में 1 घंटा रख देंगे। ये मैंने करके रखा है क्योंकि मुझे 1 घंटा ये सब करके रखना होता है। ये देखिए जो मैरिनेट मैंने मॉर्निंग में करके रखा था वो कुछ इस तरह लगेगा। और वो जो ग्रेवी थी मैंने वो ग्राइंड करके रखी है वो कुछ इस तरह है। उसका पेस्ट बना दिया, पेस्ट बना के ये ग्रेवी हमारे पास ऐसे रेडी हो गई। इधर हम लोग ये देख लेते हैं, ये भी अभी सॉफ्ट नहीं हुए, इनको टाइम लगेगा, तब तक जो मैंने बना के रखा है उससे अपन रेडी करेंगे। इधर गैस ऑन कर दिया, इसमें हम लोग वापस ऑयल डालेंगे। थोड़ी ऑयल डालेंगे, ऑयल गरम हो गया, जीरा डालेंगे। जैसे ही थोड़ा सा जीरा ये लाल होने लगेगा हम लोग उसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। बाकी बचे हुए मसाले भी हम लोग उसमें ही डाल देंगे। इसमें गरम मसाला है, सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर एंड हल्दी। गैस को स्लो रखेंगे फ्लेम को। अब जो हमने ये पेस्ट बना के रखा है उसको डालेंगे। देखिए इसका कलर कितना सुंदर आया, इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि हमने इसमें कस्तूरी मेथी डाली, कस्तूरी मेथी का भी एक अपना ही अरोमा अच्छा आता है। ये देखिए थोड़ा हम लोग तेज करेंगे गैस फ्लेम को। ये पेस्ट आपको यही पेस्ट मैंने इसमें डाली है, टमाटो, ओनियन, गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिलीज का जो हमने पेस्ट बनाया वो पेस्ट से हमने ये ग्रेवी रेडी की है।
थोड़ी देर भूनेंगे इसको। इसमें जो थोड़ा देखिए थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा है, तब हमने जो ये मैरिनेट करके रखे हैं सोया चाप्स उनको डालेंगे। कलर देखिए कितना सुंदर आया है। सॉरी, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा स्लो पे भुनेंगे जैसे इसका जो ऑयल है इसमें जो थोड़ा रिलीज हो जाए। तब तक मैं आपको एक डेजर्ट दिखाती हूँ। जो इसमें लगेगा ये मैंने स्पॉन्ज बना के रखा है केक का, ऐसे स्लाइस करके रखे हैं केक के छोटे। सॉरी, मैंने कुछ स्ट्रॉबेरी क्रश पीस करके रखी है, मैंने स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे पीसेस कट करके रखे। एक मिनट में पानी पीती हूँ, खांसी है। ये ओरियो बिस्किट है जो मैंने ये ओरियो बिस्किट ऐसे क्रश करके रखे हैं। ये कॉफी है, मैंने आधा स्पून कॉफी और आधा स्पून शुगर और 2 स्पून मैंने वाटर डाल के ऐसे ऐसे सिरप बना लिया है उसका, मैंने कॉफी सिरप है, इसको कॉफी सिरप बोलेंगे। ऐसे मैंने 2 ऐसे छोटे से ब्यूटीफुल से ग्लासेस लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप जार भी ले सकते हैं, आप घर के कांच के ग्लास भी ले सकते हैं, आपको जो कांच के बोल्स ले सकते हैं, आपको जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। मैंने ऐसे छोटे से ग्लासेस लिए हैं। ये मैंने स्ट्रॉबेरी गनाश बनाया है, ये मैं इसमें थोड़ा स्ट्रॉबेरी और क्यूब्स एंड स्ट्रॉबेरी गनाश डालूंगी। मैंने इसमें मैंने विप क्रीम विप करके रखी है, विप क्रीम में थोड़ा सा गनाश डाल के मूज बना दिया है, ये मैंने मूज बना के रखा है एंड ये मैंने गनाश बना के रखा है। ये मैंने गनाश का पाइपिंग बैग में पोर करके रखा है क्योंकि टाइम कम होता है, टाइम के कारण कम होने के कारण हमको ये सब थोड़ा रेडी करके रखना पड़ता है। जब तक हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए कलर कितना अच्छा आया इसका। ये वेजिटेबल आप पार्टीज वगैरह में भी बना के रख सकते हैं। पहले आप अगर पार्टी में आपको बनाना है तो आप इसका ग्रेवी पहले से ग्राइंड करके रख दीजिए फ्रिज में, और जो सोयाबीन की चाप से उनको भी आप फ्राई करके रख सकते हैं, मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको बनाना हो तो खाली आप देखिए अब कितनी जल्दी मसाला भून के और वो मैं हम लोगों ने डाल दिया और ये हमारी सब्जी रेडी हो गई। थोड़ा सा हम इसमें वाटर डालेंगे तो लेकिन थोड़ा सा और ऑयल आने दीजिए। हम लोग
सबसे पहले हम लोग एक स्पॉन्ज सब ग्लास लेंगे, हम लोग एक स्पॉन्ज अंदर डालेंगे केक का। ये देखिए ऐसे एक केक का स्पॉन्ज डाला, ये देखिए ऐसे केक का स्पॉन्ज डाला हम लोगों ने। अगर आपके पास केक नहीं है तो आप इसकी जगह ओरियो क्रश करके ओरियो के भी नीचे लेयर लगा सकते हैं या कोई भी छोटे हनी बेल्स आते हैं, केक्स आते हैं जो रेडीमेड केक्स आते हैं, मफिन्स आते हैं, आप उनको भी क्रश करके वो भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। अभी हम लोगों ने एक एक लेयर केक की लगाई। अभी हम लोग एक स्पून इसमें जो हम लोगों ने कॉफी सिरप बना के रखा है वो हम इसमें पोर करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद हम लोग एक लेयर व्हिप क्रीम की लगाएंगे, जो चॉकलेट मूस बना के रखा है हम लोग ने मूस की क्रीम लगाते हैं, मूस की एक लेयर लगाएंगे। फिर हम लोग थोड़ा इसमें ओरियो जो क्रश करके हमने रखा है ओरियो पाउडर लगाएंगे। ये देखिए इसमें थोड़े स्ट्रॉबेरी के चंक्स, स्ट्रॉबेरी मूस जो उन्होंने स्ट्रॉबेरी का गनाश बना के रखा है वो लगाएंगे। सेम इसमें भी हम लोग थोड़े स्ट्रॉबेरी के चंक्स। स्ट्रॉबेरी का मूस लगाएंगे। ये देखिए एक लेयर हम लोग चॉकलेट गनाश बना के रखा है। मैं चॉकलेट गनाश की आपको अभी रेसिपी बताती हूँ कैसे ये मैंने बनाया है। ये देखिए हम लोग इसमें एक का स्पॉन्ज डालेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। एंड इसमें हम लोग अगेन कॉफी सिरप डालेंगे। कॉफी सिरप डालने का मकसद यही है कि ये हमारा जो स्पॉन्ज है सॉफ्ट हो जाता है तो खाने में वो गले में नहीं लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा ओरियो, फिर जो हमने चॉकलेट मूस बना के रखा है अगेन हम लोग ये जो चॉकलेट मूस जो हमने ये चॉकलेट गनाश बना के रखा है अब हम लोग उससे डेकोरेशन करेंगे लास्ट एंड फाइनल।
ऊपर से हम लोग थोड़े से स्ट्रॉबेरी थोड़े से लगाएंगे, थोड़े से स्ट्रॉबेरी से ऐसे चंक्स लगेंगे। और थोड़ा स्ट्रॉबेरी मूस से थोड़ा हम लोग गार्निशिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे चॉकलेट रेडी हो गए, चॉकलेट डेजर्ट रेडी है हमारा। ये आप पार्टीज में बना सकते हैं, पार्टी में बना, ये आप बना के रख सकते हैं फ्रिज में, मॉर्निंग में बना सकते हैं, रात को आप पार्टी में एंजॉय कर सकते हैं। बिलीव मी बहुत टेस्टी होते हैं ये। ये हमने चॉकलेट के स्पून्स बना के रखे हैं, वो हम लोग इस पे रखेंगे। आप सिंपल स्पून भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप गेस्ट को सिंपल स्पून भी दे सकते हैं। मैंने ये चॉकलेट के स्पून बनाए हैं। ये देखिए हमारी सब्जी भी इधर रेडी है। ये देखिए पूरा कलर उसका कितना अच्छा है, टेक्सचर देखिए आप सब्जी का, बिल्कुल होटल की जैसी, बाहर की जैसी सब्जी बनी है बिल्कुल, और टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको हम लोग कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब तक जो ऑयल है वो रिलीज हो जाए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गनाश की, जब तक उसमें से सब्जी वो रिलीज होता है ऑयल, तब तक मैं आपको गनाश की रेसिपी दिखाती हूँ। ये देखिए आपको मालूम है जैसे कि अमूल के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत टेस्ट वाइज और पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। ये मेरा अमूल का, मैंने एक चॉकलेट लिया, जो चॉकलेट गनाश मैंने बनाया है उसके लिए मैंने एक अमूल का चॉकलेट का ये लिया है, एंड एक मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली है। दोनों का रेशियो इक्वल रहता है। अगर आप ये 50 ग्राम ले रहे हैं तो 50 ग्राम आप चॉकलेट लेंगे, 100 ग्राम ये ले रहे हैं तो 100 ग्राम आप चॉकलेट लेंगे। तो सबसे पहले हमको फ्रेश क्रीम जितनी, हमको जितना गनाश बनाना है उसके लिए हमको सबसे पहले क्रीम को हमको हीट करना है, किसी भी में आप डाल के बर्तन में उसको आप गर्म करिए, और उसमें ही जैसे ही वो गर्म होगी गैस बंद कर दीजिए, और आप जितना, अगर 50 ग्राम ये ले रहे तो 50 ग्राम चॉकलेट उसमें पीसेस करके डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए दोनों को। जो मिक्स हो जाएगा तो वो आपका ऐसे चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे चॉकलेट गनाश हमारा रेडी हो जाएगा। ये गनाश आप किसी चीज में भी आप यूज कर सकते हैं, किसी भी डेजर्ट में, किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप केक्स के अंदर डाल सकते हैं। सिंपल आप केक ले आए और ये आपने गनाश बना लिया तो आप उसके ऊपर केक के ऊपर भी लगा के खा सकते हैं। एंडी की आपका गनाश जो है वो 1 मंथ तक खराब नहीं होता है, तो आप उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं।
अब हम देखेंगे सब्जी भी हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए इसका कलर और टेक्सचर। ऑयल इतना हम लोगों ने ऑयल थोड़ा ही डाला था लेकिन कितना अच्छा उसने रिलीज कर दिया है। अब हम प्लेटिंग करेंगे। गैस ऑफ कर देंगे हम। मैंने आपको पहले फ्राई करना एक ही मैंने स्टिक्स दिखाई थी लेकिन इसमें मैंने सोयाबीन की 4 मैंने स्टिक्स डाली हैं। ये 4 स्टिक की सब्जी है। ग्रेवी उतना ही है जितना मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, एक बड़ा ओनियन एंड 3 बड़े टमाटर, लेकिन जो सोयाबीन की स्टिक थी वो ये मैंने 4 स्टिक्स डाली है। से थोड़ा कोरिएंडर डालेंगे हम लोग, थोड़ा हरा धनिया वॉश करके चॉप करके अच्छे से आप वो डालें, थोड़े ओनियन के रिंग्स, एंड ये मेरी रेडी है। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, मुझे टैग करिएगा ये सब्जी कैसी बनी आपकी। और ये डेजर्ट ये भी ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसी बनी आप। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने आज ज्वाइन किया हमको, हम व्यूअर्स जिन्होंने हमें देखा ज्वाइन किया और इंजॉय किया सेशन, थैंक यू सो मच। अमूल की टीम, पूरी टीम को जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, थैंक यू सो मच।